दोस्तों आपको भी हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यात्रा निकालना है वगैरह, देश को न्याय दिलाएंगे, देश का माहौल ठीक नहीं है, बांटने का काम कर रही है भाजपा। नहीं, हमें राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं? क्योंकि हमें भरोसा है तो बस सिर्फ मोदी 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 मोदी, चाहे आटा 2000 रुपए किलो हो जाए पर चाहिए मोदी। वाह 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 वाह, आटा 2000 रुपए मोदी चाहिए? जी चाहिए मोदी 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 मोदी। आज तक भारत में कोई भी ऐसा गरीब नहीं है जिसके सर पे छत ना हो और तन पे कपड़े ना हो और दो वक्ती की रोटी ना हो। मोदी जी ने ये सब कुछ किया है हमारे लिए, तो हमें मोदी ही चाहिए। देश में यही मुद्दा है, सनातन धर्म, हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, और फीमेल एजुकेशन, चाइल्ड सिक्योरिटी। बताइए ना कौन सा मुद्दा है जिसको नहीं उठाया है? आपको कोविड में टाइम में राशन मिला या नहीं मिला? किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब तक नहीं उठाया स्टेप, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से कर लेती? बताइए, राशन तो बहुत पहले से मिल रहा है, कांग्रेस के जमाने से ही मिल रहा है राशन तो। कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है क्या? घर बैठे ऐसे मिल रहा है? कोविड के टाइम पे किसको मिल गया? लोगों ने बोरों में भर भर कर ले गए, इतना मिल गया। मैम 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट कर पाएगी? हाँ बिल्कुल लग रही है, जैसी उन्होंने सुविधा करी है लेडीजों के लिए, उस हिसाब से लग रहा है कि दोबारा बीजेपी ही आ रही है। वाह 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 वाह, नहीं है ये मोदी गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार जो है, ये लोगों का परिवार है, मोदी जी का परिवार पूरा हिंदुस्तान है। आपको भी लगता है कि ये लोगों से कनेक्ट कर पा रहे अपने आप? नहीं, औरतों के लिए तो यही लग रहा है कि वो उनका परिवार है, उसी हिसाब से मतलब हमें तो लगता है बिल्कुल लगता है, और वो ही आनी चाहिए। मैम आप लोगों का दर्द समझ पा रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री? समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अभी तक जो किसी ने नहीं समझा वो समझ रहे हैं। हर गरीब के पास जाना, उनकी दुख दर्द को सुनना और उसे दूर करने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा प्रयास है। अच्छा हाँ, और लग रहा है कि 24 में माहौल भी बनेगा। आप उनकी जागरूकता देखिए हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे किसी पुरस्कार वितरण का हो, हर गांव-गांव में, देश-देश में जाके हर तरह के व्यक्ति से मिलना बहुत बड़ी बात है। इतना समय निकालना, अगर वो अपने देश में है तब भी पूछते हैं सबकी, और अगर विदेशों में भी है फिर भी हमारे यहाँ बच्चे अगर कहीं निकलते हैं तो बहुत ध्यान देते हैं। इतना अभी तक किसी ने नहीं दिया। 2024 में जिस तरीके से इलेक्शन बहुत पास आते नजर आ रहे, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की। वाह 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 वाह, मतलब ऐसा क्या काम कर रहे हैं? आई थिंक दैट जो दिल्ली है वहाँ पे अभी फीमेल्स जो है वहाँ पे ज्यादा उनकी सेफ्टी बढ़ा दी गई है उनके लिए। पुलिस फीमेल जो ऑफिसर्स होती है वो भी रोड्स पे रहती है रात के टाइम पे भी, तो रात के टाइम में तो डर नहीं लगता अब घर में निकलने से बाहर। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे, वो अमीर हो जाएंगे हर महीने। ये कैसे बहुत ज्यादा पैसे है ना 1000 रुपए में? आप कुछ नहीं 1000 रुपए लेने से, वही सेफ्टी बाकी चीजों में तो मैटर करते हैं, पैसे तोड़ना करते हैं सिर्फ। माहौल ये बन रहा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से हरा देना है। देखिए षड्यंत्र तो बहुत रचे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दो सेशन सत्ता पे राज किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, और जहाँ पर मोदी जी हैं वहाँ सब कुछ मुमकिन है। वाह 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 वाह, अब लग रहा है कि इंडी गठबंधन मजबूत है और नरेंद्र मोदी को रोक पाएगी? नहीं, रोक पाना असंभव है। ये प्रचंड जीत से, बहुमत से आएंगे नरेंद्र मोदी 2024 में। नोटबंदी के टाइम पे मोदी जी ने जो हिम्मत करी आज तक कोई नहीं कर पाया। हाँ। कोई आज तक ऐसा नेता हुआ है जिसने ऐसा डिसीजन लिया कि 2 सेकंड में किसी को पता नहीं पड़ा कानों का नोटबंदी कर दी? कितना वाइट बने कह रहे हैं कि नोटबंदी से काफी सारे गरीबों की कमर जो टूटी नहीं टूटी, सब उनकी जो ये प्रॉपर्टी थी ना वो सब सामने आ गई। बहुत अच्छा काम किया जनता के हित में। हाँ बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा। कौन से काम अच्छे लगते हैं? मोदी जी ने तो ये अयोध्या का काम जो आज 500 साल तक भी लोग सोच रहे थे नहीं कर पाएंगे, उन्होंने कर लिया। हाँ। और हम तो ये कहते हैं भगवान के बराबर पूजनीय हो गए, बहुत अच्छा आगे इतना अच्छा काम किया है। राहुल गांधी जी को एज अ पीएम कैंडिडेट आप नहीं देखते? नहीं बिल्कुल, क्यों देखूं, क्या है उनमें?
पढ़े लिखे नेता हैं, इसलिए जो पढ़े लिखे जितना पढ़े हैं उससे मतलब नहीं रखता, जैसी उनकी सोच है उसमें मतलब रखता है। राहुल गांधी जितना भी पढ़े होंगे पर उनकी एक्शंस में पता नहीं चलता कि वो पढ़े लिखे हैं, और देश के लिए तो बिल्कुल नहीं लगता वो काम करेंगे। वो अपने अपने लिए काम करेंगे, अपने लिए, अपने गांधी परिवार के लिए और अपने कांग्रेस के लिए भी शायद काम ना करें, गांधी परिवार के लिए काम करेंगे। हमें ऐसी प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो देश के लिए काम करे, हमारी देश के लिए। कैसा काम किया? 9 साल बेमिसाल, एक और बार मोदी सरकार। वाह 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 वाह। कह रहे हैं कि तानाशाही बहुत है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। तानाशाही तब नहीं थी जब 1.5 साल की इमरजेंसी लगा दी थी देश के अंदर। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। तानाशाही तो वो भी थी, अभी तक 9 साल में कौन सी इमरजेंसी लगी है देश के अंदर? सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी। अरे आप देखिए, चुनाव प्रचारों के लिए वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में विपक्षी पार्टियों को जाने नहीं दिया जाता। तानाशाही उसे कहेंगे या तानाशाही जो सब स्वतंत्र है, आबाद है, अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो होगा तानाशाही। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। वाह वाह। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।